तो दोस्तों ये जो आप बॉयलर देख पा रहे हैं ये एफबीसी बॉयलर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कम्बसन बॉयलर है। तो इस वीडियो में इस बॉयलर के बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। और राइट साइड में ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये सीएफबीसी बॉयलर का कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कम्बसन बॉयलर है। तो इस वीडियो में हम लोग सीएफबीसी का डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो एफबीसी बॉयलर है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से जाएंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहले एफबीसी बॉयलर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो छोटा वाला जो दिख रहा है वो हमारा एयर नोजल है, और बड़ा वाला जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा कोल नोजल है। तो अभी हम लोग डिटेल से इसका समझेंगे। और ऊपर वाला मेन होल डोर से हम लोग देखेंगे तो ये आपको बेड कॉइल नज़र आ रहा होगा, और सामने आपको चारों तरफ वॉल टाइप का दिख रहा है, ये हमारा वाटर वॉल है। तो चलिए अभी हम लोग एंटर कर जाते हैं, अंदर चलते हैं और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो अभी मैं बॉयलर के अंदर एंटर कर गया हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कॉयल है, बेड कॉयल है, जिसको हम लोग इवेपरेटर बोलते हैं। और इस पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टड लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टड लगे हैं। और ये जो छोटे वाले आपको नोजल दिख रहे हैं इसको हम लोग एयर नोजल बोलते हैं, और बड़ा वाला जो नोजल अल्टरनेट में लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कोल नोजल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कैसे कोल आता है और कैसे इस बॉयलर के अंदर एयर आता है। ये है हमारा बेड कॉयल, और सामने जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा वाटर वॉल है। और टॉप साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, हमारा सुपर हीटर है, हैंगिंग फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा स्टीम जो है वो सुपर हीट होता है, ये प्राइमरी सुपर हीटर है। और इसी प्राइमरी सुपर हीटर के पीछे साइड में, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है जो गूंजने के एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ से ये हमारा एक तरफ से देखिए ट्यूब कैसे बेंड हुआ है और प्राइमरी सुपर हीटर से कैसे टच होकर के निकला है, और वो फिर जाके वी शेप में यहाँ बन जाता है। तो इस वी शेप के बीच में हमारा एक सुपर हीटर रहता है जिसको सेकेंडरी सुपर हीटर बोलते हैं। तो कैमरा से मेरे क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गुजने के एरिया के टॉप में हमारा रहता है सेकेंडरी सुपर हीटर। तो इस तरह से ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या, हमारा वाटर वॉल है। वाटर वॉल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा बॉयलर का ट्यूब है ये वाटर इसके अंदर फीड किया जाएगा। और ये जो वॉल दिख रहा है, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, ईंट का वॉल होता है, तो यहाँ पे जो वॉल है वो ट्यूब का वॉल है। तो हमारा एक ट्यूब जो है वो टॉप हेडर से कनेक्ट रहता है, और जो बॉटम साइड का जो ट्यूब है वो बॉटम हेडर से कनेक्ट रहता है। तो जब हम लोग ड्रम से पानी डायरेक्टली बॉटम हेडर में देते हैं डाउन कमर के थ्रू, तो पानी जो है हमारा इसी वाटर वॉल में नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। और जब हमारा बॉयलर के अंदर फायर किया जाता है तो ये जो वाटर है वो इवापरेट होने लगता है, गर्म होने लगता है। और इवापरेट होने के बाद ये इसका डेंसिटी कम हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी को जब गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो जब डेंसिटी कम होगा तो हमारा जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस वाटर वॉल के थ्रू हमारा जो पानी है वो टॉप में ट्रेवल करेगा और टॉप हेडर में चला जाएगा, और वहाँ से फिर हम लोग कहाँ ले लेते हैं, ड्रम में ले लेते हैं। और कुछ अमाउंट में जो पानी है इस इवेपोरेटर कॉयल में आता है, ये भी हमारा इवेपोरेट होकर के इस वाटर वॉल के थ्रू सीधे हमारा टॉप हेडर में चला जाता है, और वहाँ से ड्रम में ले लेते हैं। ड्रम का जो स्टीम है वो डायरेक्टली हमारा इस प्राइमरी सुपर हीटर में आता है, और प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट हमारा सेकेंडरी सुपर हीटर जो कि इस गूंजने के पीछे छिपा हुआ है, तो उस सेकेंडरी सुपर हीटर से डायरेक्टली बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वो जो स्टीम है वो हमें फाइनल स्टीम मिल जाता है, जिसे हम लोग टरबाइन में डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, यानी टरबाइन को दे सकते हैं, यानी कि प्राइम ओवर का काम करेगा। और इसी बॉयलर फर्नेस में आपको ये जो छोटा छोटा होल दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा क्लोजअप करते हैं इसको। ये जो आपको छोटा सा एयर नोजल दिख रहा है ये आपको देखिए तीन डायरेक्शन में दिख रहा होगा, फ्रंट रियर और लेफ्ट साइड, राइट साइड में नहीं है, तीन साइड में हमारा ये एयर नोजल प्रोवाइड किया गया है जो कि सेकेंडरी कम्बस्शन के लिए है। यानी कि बॉयलर में जो कम्बस्शन किया जाता है उसमें अगर फाइन्स ज़्यादा रहे तो हमारा कैरी ओवर हो जाता है, तो उस फाइन्स को दबाने के लिए हम लोग कुछ अमाउंट में हॉट एयर इसी की मदद से, यानी कि ये जो छोटा वाला एयरलाइन दिख रहा है इसी एयरलाइन की मदद से हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी एयर कम्बस्शन बोलते हैं। और इससे देने से हमारा जो भी फाइन्स वगैरह है वो उड़ नहीं पाता है और उसका प्रॉपर वे से कम्बस्शन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे फ्यूल का कम्बस्शन होने के बाद फ्लू गैस का जनरेशन होता है, और ये जो फ्लू गैस है वो इस प्राइमरी सुपर हीटर जो है इसको टच करते हुए गुजनेक के ऊपर जो सेकेंडरी सुपर हीटर है उससे टच करके निकलेगा,
और डायरेक्टली सेकंड पास में चला जाएगा। तो इस फर्नेस को हम लोग फर्स्ट पास बोलते हैं, और सेकंड पास में सबसे टॉप में हमारा इकोनोमाइजर होता है, बॉटम में हमारा एपीएच होता है, और उसके बाद हमारा डायरेक्टली ईएसपी, ईएसपी टू आईडी खींच करके उसको चिमनी में देगा। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये था इसके इंटरनल। चलिए अभी हम लोग कुछ इसके बाहर देख लेते हैं कि कहाँ से हमारा प्राइमरी एयर आता है, कहाँ से हमारा सेकेंडरी एयर आता है, कैसे कोयला इस बॉयलर में फिट होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग फर्नेस से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से मैन होल डोर से हम लोग अभी बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हमारा डाउन कमर का लाइन है। देखिए हमारा बॉटम हेडर में कैसे पानी जो है कनेक्ट रहता है। तो चलिए हम लोग अभी इस तर देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा कोल का बंकर है। और जैसा कि हमारा ये जो बॉयलर है वो चार कंपार्टमेंट का है, तो यहाँ पे चार कोल फीडर लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको चार मिनी हॉपर भी दिख रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है ये क्या हमारा ड्रैक्चन सिस्टम है, और ये हमारा कोल फीडर है, और एक ड्रैक्चन में हमारा दो कोल फीडर लगे हुए हैं। वैसे हमारा चार कंपार्टमेंट का है तो टोटल आठ कोल फीडर हैं और चार ड्रैक्चन है। तो यहाँ से जो हमारा कोल है वो डायरेक्टली इस पीए लाइन में जाता है। तो चलिए आपको नीचे पीए लाइन को भी हम लोग अच्छे से डिटेल से समझा देते हैं कि हमारा पीए लाइन का जो फंक्शन है वो क्या है। तो अभी समझ में आ गया कि हॉपर से जो कोल है ड्रैक्चन के थ्रू नीचे जाएगा। तो अभी हम लोग नीचे चल के देखते हैं कि हमारा जो कोल है वो कैसे बॉलर के अंदर एंटर करता है। तो चलिए अभी हम लोग सारा अरेंजमेंट देखेंगे कि एफबीसी बॉलर में कैसे कोल फीड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पतले पतले जो पाइप्स लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप्स बिछे हुए हैं, ये पीए लाइन बोलते हैं इसको, यानी कि प्राइमरी एयर लाइन बोलते हैं, और इसी के अंदर कोल हमारा जो है ट्रैवल करता है। और जैसा कि हम लोग देखे थे कि चार कोल फीडर ऊपर थे, तो उस कोल फीडर से, इंडिविजुअल कोल फीडर से, एक कोल फीडर से टोटल हमारा जो कोल है वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया है। यानी कि एक कंपार्टमेंट में हमारा टोटल चार पीए लाइन है। यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, एक से देखिए हमारा चार पीए लाइन जो है वो जा रहा है, और ये चारों पीए लाइन जो है वो हमारा सीधे बॉयलर में जाने वाला है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा जो कोल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और चलिए ऊपर हम इसका नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो ये जो आपको बड़ा सा नोजल दिख रहा है ना, एक छोटा नोजल दिख रहा है, एक बड़ा नोजल दिख रहा है, तो बड़ा वाला जो नोजल है इसको कोल नोजल बोलते हैं। इसी के थ्रू हमारा इस पीए लाइन का जो कोल है वो हमारा बॉयलर के अंदर स्प्रेड होने वाला है। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल पाइप्स दिख रहे हैं ये पीए लाइन है, और इसी के अंदर हमारा जो कोल है वो ट्रेवल करता है। और इस कोल को ट्रेवल करवाने के लिए पीछे साइड से हमें एयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एयर प्रोवाइड करने के लिए हमें पीए फैन का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो आपको फैन दिख रहा है ये क्या हमारा प्राइमरी एयर फैन है, और इसका डिस्चार्ज आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारा पीछे साइड गया है, और इसका जो सक्शन होता है यानी कि पीए एयर जो सक्शन होता है जिसका टैपिंग होता है, उस एफडी हेडर यानी कि फोर्स ड्राफ्ट का, ये जो आपको सामने चौड़ा वाला दिख रहा है ये फोर्स ड्राफ्ट का हेडर है। अभी भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें एयर आता है, एफडी फैन से कैसे एयर आता है। और यहाँ से देखिए हमारा प्राइमरी एयर को जो एयर है वो जा रहा है, यानी कि प्राइमरी एयर हमारा एफडी का जो हेडर है उससे सक्शन लेता है, और खींचने के बाद एक हाई प्रेशर से, यानी कि एफडी का जो प्रेशर होता है वो 500 से 600 एमएम डब्ल्यूसी होता है, जबकि हमारा पीए का जो प्रेशर होता है वो 1200 से लेकर के 1400 एमएम डब्ल्यूसी होता है। और इतना प्रेशर से हम लोग जो एयर है देखिए डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद देखिए हमारा ये हेडर जो है वो कहाँ गया है, तो सीधे ये गया है पीए लाइन के बैक साइड में। तो ये जो हेडर है इस हेडर से इंडिविजुअल कंपार्टमेंट के लिए हम लोग पीए लाइन के लिए एयर प्रोवाइड करने के लिए टैपिंग लेते हैं, और यहाँ से ये टोटली जितना हमारा पीए लाइन है उसमें हमारा डिवाइड हो जाता है। तो इंडिविजुअल पीए लाइन के लिए हमारा यहाँ पे मैनुअल डैम्पर लगा हुआ है, तो इस मैनुअल डैम्पर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से एयर जो है हमारा पीए लाइन में ट्रेवल करेगा, ऊपर से कोल जो गिर रहा है, और डायरेक्टली कोल और एयर मिक्स होकर के डायरेक्टली यहाँ से हमारा इस फर्नेस के अंदर एंटर करने वाला है। तो इस तरह से यहाँ से डायरेक्टली हमारा कोल जो है वो उस बॉयलर के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर हमारा जो भी कम्बसन प्रोसेस होता है वो कम्बसन होगा और हीट लिबरेट होगा, और फिर हमारा जो वाटर है वो गर्म होकर के स्टीम में जनरेट करेगा।
तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं एफडी फैन के पास, यानी कि फोर्स ड्राफ्ट फैन के पास। तो इस एफडी फैन में हमारा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या हमारा सक्शन है, यानी कि यहाँ से हमारा ये जब हम लोग अभी देखिए ये हमारा सक्शन डैम्पर जो है वो क्लोज कंडीशन में है। जैसे ही ये सक्शन डैम्पर को ओपन करेंगे तो एटमोसफियर से जो एयर है वो सक करेगा और डायरेक्टली ये हमारा डिस्चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे दो एफडी फैन है, तो दोनों एफडी फैन का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए अभी हमारा यूनिट बंद है इसलिए हमारा मैं अच्छे से वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये भी देखिए हमारा डैम्पर एकदम क्लोज कंडीशन में है, फुल्ली क्लोज है। तो इसका जो डिस्चार्ज होता है, सक्शन तो एटमोसफियर से होता है, डिस्चार्ज देखिए दोनों का कंबाइंड हुआ है और कंबाइंड होने के बाद टॉप में गया है, ठीक है। तो उसको आप एकदम ट्रेस करते रहिए, मैं अच्छे से दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारा एपीएच यानी कि एयर प्री हीटर में एंटर करता है। तो देखिए हमारा टॉप साइड से जो एफडी का डिस्चार्ज एयर है वो एंटर करता है, और इस बॉटम साइड से ये जो आपको चौड़ा वाला हेडर दिख रहा है इस बॉटम साइड से हमारा आउटलेट होता है, और इस आउटलेट हेडर से अभी मैं आपको एकदम चल के दिखाता हूँ। ये क्या है हमारा एफडी का डिस्चार्ज है जो कि हॉट एयर बन चुका है। पहले हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर था वो कोल्ड था, लेकिन जैसे ही एपीएस से पास आउट होगा तो लगभग इसका 110 से 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाता है। और इसी हेडर से हम लोग क्या करते हैं पीए के लिए यानी कि प्राइमरी एयर के लिए एयर टैप कर लेते हैं, यानी कि प्राइमरी एयर हमारा कोई एटमोसफियर से नहीं टैप होता है बल्कि हॉट एयर को ही टैप किया जाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक क्या है हमारा एफडी एयर है, और एफडी एयर हमारा कुछ इधर गया है और कुछ फ्रंट साइड में गया है, और ये जो गया है वो हमारा पीए एयर के लिए टैपिंग ले लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों पीए फैन जो है वो इसी हॉट एयर का सक्शन लेता है, हॉट एयर से सक्शन लेता है और फिर हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करके सीधे पीए लाइन के पीछे भेज देता है। तो ये जो आपको फैन दिख रहा है मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हमारा पीए फैन है। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डिस्चार्ज हेडर के पास, एफडी का डिस्चार्ज हेडर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि डिस्चार्ज हेडर से एक टैपिंग लिया है, और टैपिंग लेने के बाद यहाँ पे एक हेडर क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये क्या है हमारा एफडी का हेडर है जिसमें हमारा एफडी का हॉट एयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि देखिए चार ठो पाइपलाइन है जो कि इस हेडर से टॉप साइड में कनेक्टेड है, जो कि बॉयलर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पे एक आपको डैम्पर दिख रहा है जो कि पावर सिलेंडर से ऑपरेट होता है एंड न्यूमेटिक ऑपरेटेड है। तो ये हो गया हमारा रियर साइड। वैसे ही हमारा जो फ्रंट साइड है बॉयलर का, उधर भी इसी एफडी हेडर से हमारा एक हेडर टैप किया जाता है। तो देख पा रहे होंगे कि इधर भी हमारा एफडी हेडर जो है जैसे हमारा रियर साइड में था वैसे ही हमारा इधर भी है, और इधर भी हमारा चार इंडिविजुअल जो एयरलाइन है वो ऊपर गया है। इसमें भी हमारे हर एक एयरलाइन में हमारा इंडिविजुअल डैम्पर्स लगे हैं, यानी कि जैसे ही हम लोग डैम्पर ओपन करेंगे तो जो हमारा एयर है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आप हेडर देख पा रहे होंगे ये हेडर हमारा टॉप साइड से देख रहे हैं, यानी कि जो नीचे हम लोग देख रहे थे जो कि फ्रंट और रियर बॉलर से कनेक्टेड है उसी को हम लोग टॉप साइड से देखेंगे, तो कुछ इस टाइप से अपियर होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हमारा सीओ वेंट है, हर एक कंपार्टमेंट में हमारा एक सीओ वेंट प्रोवाइड किया रहता है। और इसी हेडर से बहुत सारे पाइप्स देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पाइप्स जो है इस बॉलर से कनेक्टेड है। और ये जो हमारा बॉलर है ये दो टाइप का होता है, या तो हॉपर टाइप हो सकता है या तो विंड बॉक्स टाइप का हो सकता है। तो ये हमारा हॉपर टाइप है इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे पाइप्स जो है वो कनेक्टेड है, और इस पाइप से हमारा जो ये जो छोटे छोटे नोजल दिख रहे हैं इसको हम लोग एयर नोजल बोलते हैं, उसी पाइप से हमारा ये जो नोजल है वो कनेक्ट रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा फ्रंट साइड में हेडर था एफडी का, सिमिलरली हमारा रियर साइड में अगर देखेंगे तो रियर साइड पे भी हम लोग देखे थे, नीचे साइड भी देखे थे, और टॉप में देखेंगे तो टॉप साइड में भी है। इसमें भी आप चार देख पा रहे होंगे हमारा सीओ वेंट है, और वैसे ही हॉरिजॉन्टल पाइप्स है, और ये जो पाइप्स है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और कनेक्ट होकर के हमारा एयर नोजल इससे हमारा जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कैसे इस एयर नोजल में हमारा एफडी का एयर आता है और इस कूल नोजल में हमारा कूल आता है।
तो यहाँ पे हमारा एयर आ गया, कोल आ गया, तो प्रॉपर कम्बस्शन होगा, और कम्बस्शन होने के बाद जो फ्लू गैस है उसको हम लोग कैसे आईडी फैन के द्वारा खींचेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सेकंड पास है, सेकंड पास से हमारा जो एक डक्ट दिख रहा है जिसके थ्रू हमारा ईएसपी से कनेक्टेड है, तो हमारा जो फ्लू गैस है वो डायरेक्टली हमारा सेकेंड पास से होते हुए इस ईएसपी में आता है, और ईएसपी में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका यहाँ पे डिस्चार्ज है, और इसका जो डिस्चार्ज हेडर होता है वो डायरेक्टली आईडी फैन से कनेक्ट होता है। यानी कि जब हम लोग इस आईडी फैन को जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा, एक नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा बॉलर के अंदर, और जितने भी फ्लू गैस है उसको खींचेगा, और खींचने के बाद यहाँ पे एक हाई प्रेशर से, पॉजिटिव प्रेशर से डायरेक्टली, देखिए ये चिमनी से कनेक्टेड होता है तो चिमनी से कनेक्ट हो जाएगा, और इस फ्लू गैस को इस चिमनी की मदद से हायर प्रेशर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। एक सर्टेन हाइट पे, देखिए हमारा चिमनी का हाइट है, यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट एफबीसी बॉलर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एफबीसी बॉलर फील्ड में कैसा अपीयर होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।